मध्य प्रदेश में दिसंबर 2022 तक की अवैध कॉलोनियां वैध की जाएंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम हाउस में आयोजित कार्यक्रम में इसकी घोषणा की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमने जिस जमीन पर अपना घर बनाया है, क्या वो जमीन हमने कोई गलत कमाई से खरीदी है? हमने अपनी खून पसीने की कमाई से अपना आशियाना बनाया है, तो उसको क्यों अवैध कहा जा रहा है? ये तो सरासर नाइंसाफी है। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि सोच सोच का अंतर है। एक तरफ हम गांव में मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना चला रहे हैं और जिनके पास रहने के लिए जमीन का टुकड़ा नहीं है उनको रहने के लिए निशुल्क जमीन का टुकड़ा दे रहे हैं, और दूसरी तरफ हम जिन्होंने जिंदगी भर की कमाई लगाकर अपना मकान बनाया है उन्हें अवैध ठहरा रहे हैं। ये अवैध ठहराने का निर्णय ही अवैध है। इस निर्णय को मैं समाप्त करता हूँ। जब हम गाँव की जनता के साथ अन्याय नहीं कर रहे तो फिर हम शहर की जनता के साथ अन्याय कैसे कर सकते हैं? अपने खून पसीने की कमाई से अपना आशियाना बना लिया, उसको क्यों अवैध कहा जा रहा है? और इसलिए देखिए, सोच का अंतर है। एक तरफ हम गांव में मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना चला रहे हैं और जिनके पास रहने के लिए जमीन का टुकड़ा नहीं है उनको निःशुल्क रहने की जमीन का टुकड़ा दे रहे हैं। हम शहरों में भी वर्षों पुराने कब्जाधारी जो गरीब हैं उनको पट्टा देके मालिक बना रहे हैं, और एक तरफ जिनने जिंदगी भर की कमाई लगा के अपना मकान बनाया उनको हम अवैध ठहरा रहे हैं। ये अवैध ठहराने का निर्णय ही अवैध है। इस निर्णय को मैं समाप्त कर। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि हम इन अवैध कॉलोनियों को वैध कर रहे हैं। अब आपको बिल्डिंग परमिशन, बैंक लोन की पात्रता मिल जाएगी। सभी कॉलोनियों में रहवासी संघ का गठन कराएं, सुविधाएं ठीक ढंग से देने में सरकार का सहयोग करें, नगर निगम, पालिका, इन रहवासी संघ को सहयोग करें। पूरे प्रदेश में मैं कहना चाहता हूं, अब आपको भवन अनुज्ञा मिलेगी, अनुमतियां मिलेगी, बैंक लोन की पात्रता भी आपको मिल जाएगी, बैंक लोन दे सकेंगे। अब खरीदी संपत्ति, लेकिन बैंक लोन ही नहीं दे सकता, अब ये हो जाएगा नियमित योजनाओं से, अमृत योजना हो, अधोसंरचना योजनाएं हो, सांसद विधायक निधि हो, वहां राशि दी जा सकेगी। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।